नमस्कार दोस्तों, दो दो खुशखबरी आई है। एक खुशखबरी सुबह में आप लोगों को दिया था, बड़ा सा कंपनी को ऑर्डर मिला था और उसकी वीडियो बना के मैं आप लोगों को बताया था सुबह में, और इस वीडियो को आप लोगों से प्यार भी मिल रहा है, बहुत सारे लाइक बहुत सारा कमेंट, तो इसीलिए दूसरी वीडियो भी इसी की आ रही है। हालांकि वैसे दूसरी वीडियो नहीं आती, लेकिन अब इतना ज़बरदस्त न्यूज़ ही है, सीधा सीधा इसका रिजल्ट डेट अनाउंस हो चुका है, रिजल्ट इस कंपनी का आने वाला है, तो ये खुशखबरी लेके आया हूँ। प्लीज करके सभी लोग लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो न्यूज आई है उसके बारे में मैं बता दूं यहाँ पे कि सुबह में एक न्यूज आई थी दोपहर के आसपास, और इसमें यहाँ पे बताया गया था कि गोवा सरकार के तरफ से इनको जो है 1726 करोड़ रुपए का भारी भरकम आर्डर मिला है। अब इस आर्डर की डिटेल हम लोग यहाँ पे फिर से चेक कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है वो वीडियो आपसे मिस हो गई हो। यहाँ पे बताया गया कि NBCC इंडिया लिमिटेड द्वारा सामान्य व्यवसाय के क्रम में 1726 करोड़ रुपए के राशि के कार्य आदेश प्राप्त होने की सूचना यहाँ पे दी गई है। अब इसमें करना क्या है वो मैं आपको बता दूँ, क्या इन कंपनी को करना है। सूचित किया जाता है कि NBCC लिमिटेड को गोवा के पुनर्विकास के लिए, गोवा राज्य के पुनर्विकास के लिए चरण 1 के तहत ये कार्य सौंपा गया है, जिसका उल्लेख नीचे यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या किया गया है, जुंटा हाउस रोड पणजी जो इनकी राजधानी है का पुनर्विकास, सरकारी गैराज जो है MG रोड पणजी का पुनर्विकास, तो ये इनको जो है करना है। पोर वारिस वारिम जो है में प्रशासनिक भवन का निर्माण करना है, वहीं पे सर्किट हाउस पणजी का पुनर्विकास करना है, वहीं पे सरकारी क्वार्टर का पुनर्विकास है सेंट इनेज करना है, वहीं पे मिनी कॉन्वेंशन सेंटर का जो है विकास करना है। तो ये 5-6 काम इनको करने हैं। ग्राहक जो है जिन्होंने ऑर्डर दिया है उनका नाम है गोवा सरकार, तो गोवा गवर्नमेंट के तरफ से ये ऑर्डर मिला है, 1726 करोड़ का टोटल ऑर्डर मिला है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक बड़ी सी न्यूज आई थी सुबह में, ये न्यूज मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दे चुका हूँ, तो देख लीजिएगा। अब दूसरी खबर क्या है कि दूसरी खबर है इसके रिजल्ट डेट से रिलेटेड। अब इसका रिजल्ट अनाउंस हो गया है, कंपनी ने सीधा सीधा कहा है कि हम जो है अपना अनऑडिटेड यहाँ पे अप्रूव मीटिंग रखे हैं, ये जो है मीटिंग शेड्यूल किए हैं जिसमें अप्रूव होगा अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट स्टैंड लोन एंड कंसोलिडेटेड, दोनों रिजल्ट इस कंपनी का आने वाला है, द क्वार्टर इस क्वार्टर का भी और हाफ ईयर छमाही वाला, पहली छमाही का भी, मतलब दूसरी तिमाही का और पहली छमाही का, ये रिजल्ट आने वाला है 30 सितंबर 2024 वाला, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसी की बैठक की सूचना हम लोगों को यहाँ पे दी गई है। अब बैठक कब होने वाली है, तो बैठक यहाँ पे होने वाली है 13 नवंबर 2024 वेडनेसडे। अभी मतलब ठीक है, अभी 15 दिन का टाइम है, लेकिन ठीक है, पहले से पता है तो बढ़िया है। तो 13 नवंबर 2024 को सुबह दोपहर शाम कभी भी इस कंपनी का रिजल्ट आएगा, सबसे पहले मैं वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, तो प्लीज करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई अपडेट नहीं है, डिविडेंड विडेंड की बात कुछ नहीं है, डिविडेंड विडेंड कुछ कंपनी ने दिया है, पहले ही कंपनी ने डिविडेंड दे दिया है मेरे हिसाब से, तो देख लीजिएगा 13 नवंबर, अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो ये डेट आप लोग जरूर लिख के रख लीजिएगा। 1.5-2 करोड़, 1.7 या फिर 1.8 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुआ है, 162 करोड़ रुपए के शेयर बाय से अब हो चुके हैं, उस समय कम थे, और 26% का डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है, थोड़ा कम डिलीवरी परसेंटेज है, 20% का सरकली में, उस समय 3% की तेजी थी, इस न्यूज के आने के बाद 6-6.5% की इसमें तेजी हो गई, बस इसे अंदाजा लगा लीजिए कि इस न्यूज की वजह से 6% की तेजी आई है, और वो 3% की तेजी भी इसी वजह से थी। चार्ट की बात करेंगे तो चार्ट पे थोड़ा सा व्यू जो रहेगा, अभी होल्ड करने का तो रहेगा, लेकिन खरीदारी करने का थोड़ा व्यू नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार हो सकता है कि ये जो है 100 रुपये का लेवल टच करके फिर से एक गिरावट करे, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा हम लोगों को, या तो 100 के ऊपर खरीदिए या फिर 80 के आसपास खरीदिए, तो ही लेवल पे खरीदारी करने का व्यू रहेगा, 60 के नीचे का आप लोगों को इसमें स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।